अगला सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेज अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद स्पीड यू इफ ए रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। तो सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपने एक पार्टिकल को ग्राउंड से ऐसे करके यू स्पीड से ऊपर लॉन्च किया है। ऑलराइट, यू स्पीड से आपने ऐसे फेंका है। नाउ इस केस में इनिशियल स्पीड तो आपने यू ऊपर प्रोवाइड की है। इस सिनेरियो में ये पार्टिकल आपका ऊपर जा रहा है। इस सिनेरियो में आपका जो एयर रेजिस्टेंस है, लेट से उसको हम लिख लेते हैं माइनस सी वी। वी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, सी आपका कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, और ए आर माइनस साइन इसलिए बिकॉज ए आर की डायरेक्शन वी के अपोजिट होगी। सो अपवर्ड जर्नी की जब बात करेंगे तो आपका जी जो है वो तो माइनस जी नीचे लग रहा होगा, और आपका जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी आपके नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, तो माइनस ए आर ये भी आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। सो आपका जो इफेक्टिव एक्सेलेशन है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस टाइम्स जी प्लस सी वी, ये हो जाएगा। नाउ एक्सेलेशन को हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाई डी टी विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स जी प्लस सी वी। नाउ एक परिवार के लोग एक साथ, तो अगर हम इसको यहाँ पे ले आए, इसको हम लिख सकते हैं डी वी डिवाइडेड बाई जी प्लस सी वी विल बी इक्वल टू माइनस टाइम जी टी। नाउ दोनों तरफ सांप का साइन लगा के इंटीग्रेट कर देते हैं। सो टाइम की लिमिट है उसको हम लिखते हैं 0 से t। जब आपका टाइम 0 है आपकी स्पीड यू है, और जब वी आपका टाइम टी होएगा तो आपकी स्पीड लेट से वी हो जाती है। ये बात अपने को पता है, बेसिक मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ है कि डी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी, इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है आपकी एल एन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। नाउ यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू सी है, एक्स आपका वेरिएबल वी है, और आपका कॉन्स्टेंट बी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ जाएगी एल एन जी प्लस सी वी, और आपकी जो लिमिट है उसको आप लिखेंगे यू और वी विल बी इक्वल टू माइनस टी। राइट, नाउ इसमें जब वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे सो वी कैन राइट दिस विल बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आपका हो जाएगा एल एन जी प्लस सी वी डिवाइडेड बाय आपका यू जब रखेंगे तो आ जाएगा जी प्लस सी यू दिस विल बी इक्वल टू माइनस टी। नाउ दोनों को अगर ई की पावर चढ़ा दें सो दिस विल बी इक्वल टू जी प्लस सी वी डिवाइडेड बाय जी प्लस सी यू विल बी इक्वल टू ई टू दी पावर। अच्छा एक चीज़ भूल गए हम, यहाँ पे आपका 1/cv आएगा, ठीक है, ये चीज़ नहीं भूलना है। ई टू दी पावर ये हो जाएगा आपका सीधा जाके माइनस सी टी। राइट, सो नाउ इसको सी यू को अगर आप जी प्लस सी यू को उधर ले जाएंगे सो ये अब टर्म बचेगी जी प्लस सी यू विल बी इक्वल टू सॉरी जी प्लस सी वी विल बी इक्वल टू जी प्लस सी यू ई टू दी पावर माइनस सी टी। नाउ इसको जब वी के लिए सॉल्व करेंगे तो जी को उधर ले जाते हैं, तो वी की जो फाइनल वैल्यू है वो आ जाएगी वी विल बी इक्वल टू जी प्लस सी यू मल्टीप्लाइड बाई ई टू दी पावर माइनस सी टी माइनस जी डिवाइडेड बाई सी। सो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी एट एनी पॉइंट इन टाइम, ये आपकी वेलोसिटी होगी। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया।